नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेकेडमी में। और इस लेक्चर में हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में सीखेंगे। तो पहले हम जान चुके हैं विस्कोसिटी क्या होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस फोर्स होता है। और पिछले लेक्चर में हम डायनेमिक विस्कोसिटी और विस्कोसिटी के बारे में जान चुके हैं। तो ये दोनों क्या होता है, बेसिकली एक मैथमेटिकल टर्म होता है जिसको हम कुछ नेम दिया हुआ है, और इसका कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही है, सिर्फ कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अलग है। बेसिकली विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट वही है कि रेजिस्टेंस फोर्स है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, जो कि है म्यू बाई रो। तो इसका यूनिट क्या होगा, तो विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता, उसको हम डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो जो मिलेगा ऐसे यूनिट में मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एमकेएस में भी मिलेगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और सीजीएस में क्या मिलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जिसको हम स्टोक बोलते हैं। तो डायनेमिक विस्कोसिटी में सीजीएस के यूनिट क्या होता था, पॉयस होता था, और वन पॉयस मतलब 0.1 ऐसा यूनिट होता था। और इसमें वन स्टोक इक्वल टू 10^-4 ऐसा यूनिट मतलब मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अभी कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ऐसा यूनिट ही देख लो कि मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, मतलब एल स्क्वायर t^-1। तो ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये वाला असाइनमेंट है, इसका आंसर कॉमेंट में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 हैज विस्कोसिटी ऑफ 0.28 स्टोक्स एट 38°C। व्हाट विल बी इट्स विस्कोसिटी इन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन से आप देख लीजिए कि विस्कोसिटी दिया हुआ है स्टोक्स में, मतलब ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, और इसको हम कन्वर्ट करना होगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, मतलब हमको ऐसा यूनिट का डायनामिक विस्कोसिटी में कन्वर्ट होना होगा। तो हम डायनामिक विस्कोसिटी कैसे पा सकते हैं, कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम डेंसिटी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको डायनामिक विस्कोसिटी मिलेगा, उसके बाद हम लोगों को उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या दिया 0.9, तो हम डेंसिटी क्या मिल जाएगा जो कि फ्लूइड है, तो उसको हम 1000 मतलब वाटर का डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका डेंसिटी मिल जाएगा। और हम जानते हैं कि वन स्टोक मतलब 10^-4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अभी विस्कोसिटी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर यूनिट में क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है इनटू जो कन्वर्सन कांस्टेंट है, तो मिल जाएगा 0.0252 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, जो कि आंसर है आंसर ऑप्शन सी। थैंक यू। So thank you friends, thank you for watching this video. If you have any doubts related to this topic, feel free to ask in the comment box, and you can write the answer of the assignments in the comment box below. If this video was helpful for you, then you can like, share and subscribe to our channel. If you are preparing for KTSC or any other competitive exam for mechanical engineering, you can join our WhatsApp group also. So bas chalo abhi muskurao aur aage badho, एंड कभी हंसते गाते खेलते कूदते अगर ये टॉपिक भूल गए तो फिर से देख लेना ये वीडियो। थैंक यू।